अद्भुत है राहुल गांधी का ये अंदाज, जनता से और मजबूत हो रहा है राहुल गांधी का रिश्ता। क्या 2024 में राहुल गांधी बनेंगे बीजेपी की विदाई की बड़ी वजह? कैसे एक बार फिर राहुल गांधी ने मोदी को दी मात? राहुल गांधी की अगुवाई में निकली भारत जोड़ो यात्रा ने ना सिर्फ कांग्रेस को खड़ा कर दिया है, बल्कि देश को वो राहुल गांधी मिल गया है जो आम जनमानस के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा है, देश की राजनीति को नई दिशा और दशा दे रहा है। आज मौजूदा राजनीति में राहुल गांधी का कोई सानी नहीं है, वो बेमिसाल है, अद्भुत है। राहुल गांधी आज बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 4000 किलोमीटर पैदल चलकर राहुल ने असंभव को संभव कर दिखाया। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी को लेकर अब आम लोगों की उम्मीदें उनसे बढ़ने लगी हैं। इसका नजारा उनकी ट्रेन यात्रा में भी देखने को मिल रहा है। तो कैसे राहुल गांधी बन गए मोदी का विकल्प? क्यों देश की जनता को है राहुल गांधी से उम्मीद? क्या राहुल गांधी की मेहनत लाएगी रंग? इन्हीं सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी ने शेयर किया मोहब्बत वाली ट्रेन यात्रा का वीडियो, लड़कियों ने राहुल गांधी के लिए गाया गाना। आम यात्रियों के बीच बैठे राहुल गांधी को देखकर हर कोई रह गया दंग। आम लोगों ने की राहुल गांधी से सीएम भूपेश बघेल की तारीफ। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के कामों से खुश है जनता। पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राज्य की कांग्रेस सरकार को कोसा। इतना ही नहीं, यहाँ भी पीएम मोदी राहुल गांधी पर वार करने से बाज नहीं आए। पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक, मैं कहता हूं इस देश में अगर कोई सबसे बड़ी आबादी है तो वो गरीब है, इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण ही मेरा मकसद है। कांग्रेस ने लोकतंत्र को लूट तंत्र बनाया है और प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया है। जगदलपुर में जब पीएम मोदी कांग्रेस और राहुल गांधी को कोस रहे थे तो उस वक्त सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का आम और गरीबों के साथ ट्रेन में सफर करते हुए वीडियो वायरल हो रहा था। राहुल गांधी ने आज ही बिलासपुर से रायपुर तक के किए ट्रेन सफर का वीडियो शेयर किया और बताया कि बिलासपुर से रायपुर तक छोटी सी रेल यात्रा में दिखी भारत की झलक, करोड़ों लोगों को मंजिलों तक पहुंचाती, देश की विविधता को दर्शाती, सही मायने में भारत का प्रतिबिंब है भारतीय रेल। आपको बता दें कि बीते दिनों छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्रेन में सफर किया था। इस दौरान यात्रियों से उनकी समस्याओं पर भी राहुल गांधी ने बात की थी। राहुल गांधी ने आज इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, बिलासपुर से रायपुर तक छोटी सी रेल में दिखी भारत की झलक, करोड़ों लोगों को मंजिलों तक पहुंचाती, देश की विविधता को दर्शाती, सही मायने में भारत का प्रतिबिंब है भारतीय रेल। राहुल गांधी के इस वीडियो को कांग्रेस ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर साझा किया है। कांग्रेस ने लिखा है, भारतीय रेल हिंदुस्तान की विविधता का प्रतीक है, ये न सिर्फ यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है बल्कि उन्हें मोहब्बत और भाईचारे के साथ जीना भी सिखाती है। जननायक राहुल गांधी ने बिलासपुर से रायपुर की छोटी सी रेल यात्रा में मोहब्बत का यही संदेश साझा किया। राहुल गांधी ने बिलासपुर से रायपुर तक की अपनी ट्रेन यात्रा का वीडियो उस वक्त साझा किया जब पीएम मोदी खुद छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मौजूद थे, यानी यहां भी राहुल ने पीएम मोदी के रंग में भंग डाल दिया। अब राहुल के ट्रेन यात्रा के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर और देख रहे हैं, जबकि पीएम मोदी की जनसभा और छत्तीसगढ़ में उनके कार्यक्रम को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। राहुल गांधी के रायपुर तक के इस सफर के दौरान उन्होंने ट्रेन में मौजूदा महिला हॉकी खिलाड़ियों से बात की, उनकी ट्रेनिंग, उनको मिल रही सुविधाओं के बारे में पूछा। वहीं उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान स्कूल की छात्राओं से भी बात की। इन छात्राओं से उन्होंने टेबल टेनिस को लेकर बातचीत की। सब टेबल टेनिस खेलते हैं? ये स्कूल की टीम है या कौन सी स्कूल की टीम है? एक्चुअली दुर्ग संभाग की टीम। अच्छा, आपका जो टेबल टेनिस का सफर था उसके बारे में मुझे थोड़ा बताओ, क्या क्या नई चीजें सीखी, कैसे करते हो? नई चीजें तो बहुत सारी सीखी, जैसे कोर्स
पर्सन बनने के बाद पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी डेवलपमेंट आई। क्या क्या हुआ? पेशेंस बहुत डेवलप हुआ। मैं बहुत इंपेशेंट इंसान थी पहले, बहुत ज्यादा अग्रेसिवनेस बहुत था मेरे अंदर, तो वो कामनेस थोड़ा आया। आपकी सर्विस सबसे अच्छी कौन सी सर्विस करती हूँ? साइड स्पिन जो करती हूँ टोमाहॉक में। टोमाहॉक कैसे होता है, क्या होता है टोमाहॉक? टोमाहॉक बेसिकली हैमर सर्विस। कैसे कैसे करते हैं? थोड़ा करते हैं ना, थोड़ा मारते हैं ऐसे करते हैं ना, तो वो मतलब हम टेबल के सेंटर साइड पर किसी में भी खड़े हो गए पर हम वो फेंकते हैं उस सर्विस। अच्छा, मतलब यूं? हाँ यूं। ट्रेन से सफर करते वक्त राहुल गांधी को लेकर लड़कियों की दीवानगी देखते ही बन रही थी। जब लड़कियों ने एक्टर दिलीप कुमार पर फिल्माए गाने जब जब उड़े जुल्फे तेरी गाया, तो देखिए कैसे राहुल गांधी शर्मा गए। राहुल गांधी के साथ बिलासपुर से रायपुर तक इस सफर में सीएम भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा भी नजर आई थी। इसी दौरान लड़कियों से टेबल टेनिस की बात करते हुए राहुल ने बताया था कि राज्य में सीएम भूपेश बघेल ने अच्छा काम किया है, उनके काम से जनता खुश है। देखते हैं क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। बघेल जी, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आपने स्पोर्ट्स में अच्छा काम किया है, मगर ये कह रहे हैं कि इनकी थोड़ी मदद टेबल टेनिस में अगर की जाए तो ये बहुत तेजी से आगे जा सकती है। बहुत अच्छा लगा आपसे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर यह वीडियो पोस्ट किया है। राहुल गांधी के साथ इस ट्रेन के कोच में कई बच्चे भी यात्रा कर रहे हैं और राहुल गांधी उनसे बातचीत करते दिखे। इस दौरान राहुल के साथ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इस वीडियो के कैप्शन में सीएम भूपेश बघेल ने लिखा है, मेरे दिल के बहुत करीब है ये बिलासपुर से रायपुर तक की छोटी सी रेल यात्रा राहुल गांधी के साथ। हमारे नेता राहुल गांधी के मोहब्बत के संदेश से परिपूर्ण भारत जोड़ो यात्रा जब भारतीय रेल के अंदर पहुंची। आपको बता दें कि 25 सितंबर को बिलासपुर में हुए कांग्रेस के आवास सम्मेलन में शामिल होने के बाद राहुल गांधी बिलासपुर से इंटरसिटी एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में सवार होकर रायपुर तक की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने ट्रेन में घूम घूम कर सफर कर रहे यात्रियों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं की जानकारी ली थी। राहुल ने ट्रेन में मौजूद महिला हॉकी खिलाड़ियों से बात की, उनकी ट्रेनिंग और उनको मिल रही सुविधाओं के बारे में पूछा। गौरतलब है कि इन दिनों राहुल गांधी सोशली एक्टिवनेस के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर पोस्ट कर रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, उन्होंने कुलियों से बातचीत की थी। राहुल गांधी उसके बाद कीर्ति नगर में फर्नीचर मार्केट पहुंचे थे, जहां उन्होंने बढ़ई का काम करने वाले लोगों से मुलाकात की। दिल्ली में मोटर बाइक मैकेनिक, फर्नीचर कारीगरों और सब्जी विक्रेताओं से मिलकर उनका हाल चाल जाना था। राहुल गांधी के इसी एक्शन से बीजेपी और पीएम मोदी मुसीबत में नजर आ रहे हैं, जबकि राहुल गांधी के ये कारनामे उन्हें लोगों में लोकप्रिय बना रहे हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।